नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन कैंडिडेट के लिए जिनका AIIT का एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहां पर DGT और AA की तरफ से एक लिस्ट जारी हुआ है। वो लिस्ट में दोस्तों आपका नाम है या नहीं है इसके बारे में हम दोस्तों फुल डिटेल से जानेंगे, और वो लिस्ट क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, तभी आप इसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहता है। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ये लिस्ट डाउनलोड कर लिया है। आपको इस लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले आपको इसके बारे में बता दूँ, यहाँ पर दोस्तों इस लिस्ट में उन्हीं कैंडिडेट का नाम है जिन लोगों ने अभी तक अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पर AIIT 111 का फॉर्म फिल नहीं किया है और वहाँ पर उन्होंने अपना फीस पेमेंट नहीं किया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस लिस्ट में अपना नेम चेक कर लेना है, और यहाँ पर यदि आपके नेम आ जाता है इस लिस्ट में तो आपको दोस्तों अपने AIIT एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई करने के बाद अपना फीस पेमेंट सक्सेसफुली कर देना है। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं लिस्ट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखेगा, और यहाँ पर आपके इस्टेब्लिशमेंट का नेम दिखेगा, यहाँ पर आपके इस्टेब्लिशमेंट का ईमेल आईडी दिखेगा, यहाँ पर आपके इस्टेब्लिशमेंट का फ़ोन नंबर दिखेगा, और यहाँ पर कैंडिडेट नेम यानी कि दोस्तों अप्रेंटिसशिप का नेम यहाँ पर दिखने वाला है जो अप्रेंटिस है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रेंटिस का मोबाइल नंबर यानी कि कैंडिडेट का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट का ईमेल आईडी। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप PDF डाउनलोड करेंगे, नीचे में आप देख सकते हैं दोस्तों लिस्ट विदाउट स्टेट फॉर ऑल यानी कि सभी स्टेट का यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं चंडीगढ़ का अलग और हरियाणा का अलग यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगा। आपको प्रॉपर इसमें नेम चेक कर लेना है कि आपका इस लिस्ट में नाम तो नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ अपडेट और देना चाहूँगा जो कि दोस्तों आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पर आना है, और वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन जैसे ही कर लेंगे दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, और यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, डैशबोर्ड, प्रोफाइल, कॉन्ट्रैक्ट, DT असेसमेंट, AIIT एग्ज़ाम। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको AIIT एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर आना होगा, और जैसे ही आप AIIT एग्जाम वाले ऑप्शन पर आएंगे यहाँ पर दोस्तों आपको असेसमेंट कोड और यहाँ पर अटैम्प्ट आपको दिख जाएगा फर्स्ट या सेकंड, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना चेक कर लेना है कि आपको जो पेमेंट स्टेटस है वो सक्सेस है या नहीं। यदि आपका पेमेंट स्टेटस सक्सेस नहीं दिखाता है तो आपको दोस्तों फिर से रीपेमेंट करके अपना पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुली कर लेना है। कई लोग हमारे वीडियोज़ में कमेंट करते हैं कि सर हम AIIT एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो आपको कैसे चेक करना है कि आप AIIT 111 एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर DT असेसमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप DT असेसमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपका कॉन्टैक्ट कोड दिख जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर अटैम्प्ट दिखेगा, और अटैम्प्ट दिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका AIIT मार्क्स स्टेटस है ये दोस्तों यहाँ पर यदि आपका यस है तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने AIIT 111 बैच के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको AIIT एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो आपको एक्शन में 3 डॉट दिख रहा है दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको AIIT एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर हमने जिस कैंडिडेट का यहाँ पर लिया है इन्होंने ऑलरेडी फॉर्म को अप्लाई कर रखा है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आई होप दोस्तों आप इसके बारे में भी समझे होंगे। और यहाँ पर कुछ लोग हमारे वीडियोस में कमेंट करते हैं कि सर AIIT एग्जामिनेशन का डेट क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको टाइम टेबल प्रॉपर दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं DGT ऑफिसियल की तरफ से ये टाइम टेबल जारी हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 नंबर पे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन, यानी कि दोस्तों आप अपने AIIT 111 बैच के लिए जो एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन हो रहा है दोस्तों वो दोस्तों यहाँ पर 25 अक्टूबर से 19 नवंबर तक अप्लाई होगा, यानी कि आप 19 नवंबर तक अपने AIIT एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम कब होने वाला है। हमारे वीडियोज़ में ये क्वेश्चन कई बार किया जाता है कि AIIT का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका डेट क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 दिसंबर 2021 से 30
दिसंबर 2021 तक आपका AIIT का एग्ज़ाम होने वाला है। आई होप दोस्तों आप इसके बारे में भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों आपको किसी भी तरीके का और कोई कंफ्यूजन होता है, आपको कोई और क्वेश्चन हमसे पुटअप करना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।